ये हॉस्टल की लड़कियों के निकलने का रास्ता है। अब यहाँ से पूरी लाइन में आपको लड़के बैठे मिलेंगे शाम के टाइम लड़कियां देखने के लिए। ये देखो भाई कौन गोलू मोलू आ गया है यहाँ पे। ओ मोटू क्यों आए यहाँ पे है? आप टच मत करो, मेरे साथ टच होने की जरूरत नहीं है, कोरोना पॉजिटिव। तो अब घर जाने का टाइम है और ये बुकनी मैंने ली थी जब मैं नई नई अमृतसर में आई थी, तो तब मैंने इसमें पैसे जमा करने शुरू कर दिए। ये पिछले लगा लो 1.5 साल की मेहनत है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पैसे भर के डालती थी, मैं या तो चिल्लर डालती थी या 10-10 के नोट डालती थी। तो अब इसको तोड़ के देखते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं। अरे नहीं, मैंने 50 के नोट्स भी डाले हुए। वाह, अरे 200 का नोट मैंने 200 का नोट कैसे डाल दिया मैंने, इतनी कैसे मैं मेहरबान होगी। वाह वाह वाह, ये जो खुशी होती है ना बुकनी तोड़ने की, कसम से मैं देखा मैं कितनी अमीर होगी। वाह, आपने भी इकट्ठे की हुई चिल्लर। पर 2 साल में मैंने बस ये पैसे जोड़े, बस काउंट करती हूँ। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब 500-500 के नोट देख के खुशी नहीं होती, ये जो चिल्लर देख के खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है जमा पूंजी जिंदगी में बस इसको संभाल के रखे, बस पैसा ही पैसा, अमीरी बहुत अमीरी। मैं गिन के बताती हूँ कितने, ऑर्गेनाइज कर लूँ। ये आ गए 550, 60, 70, 75, 85, 90, 590, आगे 600, आगे 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608. 608. 2 साल में, बीच में लॉकडाउन का थोड़ा टाइम निकाल के 1.5 साल लगा लेते, 1.5 साल में मैंने सेविंग्स करी 608 रुपए। वाओ, 608 की तो मेरी 5 दिन की मेडिसिन भी नहीं आने वाली। जो अंकल टॉफियां बेचते हैं ना उनके पास इस तरह के पैसे होते हैं। और मेरे को सही में वही लोग अमीर लगते हैं जिनके पास ऐसे पैसे होते हैं। जिनके पास 500-500 के नोट होते हैं वो अमीर नहीं होते, अमीर ये है मोटे मोटे ठिल्ले भारी भारी हाथ नोटी ऐसे पैसों की गड्डियां। हाँ, अगर माना आपके पास 500 की इतनी गड्डियां हैं वो भी अमीरी नहीं है। अगर उनकी आप गड्डियां तोड़वाओगे तो कितनी बड़ी गड्डियां बन जाएंगी। तो क्वांटिटी में अमीरी है, क्वालिटी में अमीरी नहीं है। उनकी खुशी इनमें है यार, छुट्टों में खुशी है। और इसमें से कुछ छुट्टे तो मेरे को मम्मा ने दिए हैं। तो इन शॉर्ट मेरी टोटल 1.5 साल की सेविंग्स 600 भी नहीं, 500 समथिंग लगा ली। क्या यार, पैसे गिर रहे हैं यार। इतनी अमीरी हो गई है कि पैसे ही नहीं संभले जा रहे यार। कहाँ रखे बदला इतने पैसे। हाँ मैं बताओ सेविंग्स कितनी हुई होगी। वो भी 500। 500 600 समथिंग मम्मा, 1000 बन रहे सेविंग्स, 1000 1000 का पूरा बन रहा है। देख लो काउंट करके देख लो, 1000 पूरा। आपने एनीथिंग मिल गया मेरे को, पूरे 1000 सेविंग्स करी है मैंने। मेरे को हैरानी हो रही है कि मैंने 200 का नोट कैसे डाल दिया, कितना जिक्रा करके मैंने 200 का नोट डाल दिया मुझमें। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कभी भी सेविंग्स करके राजी नहीं हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है कि मैंने 600 रुपए जोड़े, मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं है। चलो इसकी होगी सफाई। मैंने बताया नहीं, मम्मा मेरे को लेने आए हैं, वापस घर जा रही हूँ अपने मेडिसिन सब लेके, और मम्मा मेरा दुकान समेट रहे हैं। सॉरी मम्मा यार, अभी शाम का टाइम है और दवाइयाँ लाई फाइनली, कल घर जाना है। और अभी श्वेता घर चली गई, उसका मैं शूट करना था पर शूट कर नहीं पाई क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल होगी, मैंने शूट नहीं करा। आज वो घर चली गई, कल मैंने घर चले जाना है। तो मैं जा रही हूँ यूटी मार्केट, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पेडिग्री देने, वहाँ पे साथ एक अंकल रहते हैं उनका टेंट है, उनको पेडिग्री दे दूँगी, बोलूँगी उनको रोज़ फीड कर देना। और साथ मेरे मम्मा भी जा रहे हैं। मम्मा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बोल दो यार मम्मा, बोल दो यार। आई होगी व्लॉग में, क्या माइक लगा ना ऊपर आई होगी आवाज। मम्मा को थोड़ा यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करवाती हूँ। ये है रास्ता, जैसे कि आपको नहीं पता था, नीचे लगी है टाइलें और आपने मास्क नहीं पहना। आज से 2 साल पहले इस जगह हमने होली खेली थी, और ये जो 3 पेड़ लगे ना इसके आगे स्टेज था और वहाँ पे मेरी डांस बैटल हुई थी ना, वो मैंने यहाँ पे खेली थी, मतलब डांस बैटल मेरी यहाँ पे हुई थी। अच्छा, ये देखो स्टेज लगा हुआ था। हाँ यहाँ पे स्टेज लगा था। ये हॉस्टल की लड़कियों के निकलने का रास्ता है। अब यहाँ से पूरी लाइन में आपको लड़के बैठे मिलेंगे शाम के टाइम लड़कियाँ देखने के लिए। आगे ये है लाइब्रेरी, ये जो खड़ी हुई है सीधी टेढ़ी नहीं है, देखना बिल्डिंग जो है वो थोड़ी टेढ़ी है। लाइब्रेरी
और लाइब्रेरी की बिल्डिंग देखो टेढ़ी, आगे से दिखाऊंगी ठीक है। ये नहीं नहीं हर जगह लगे ना, आप किसी भी जगह झूल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं झूलती होती हूँ। जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आई थी ना, तो ये जो पेड़ लगे ना जिनकी लंबी लंबी चोटियां निकली हैं, ये बस इनको देख के फ्लैट हो गई थी। मैं एंट्रेंस का एग्जाम देने ऐवी आई थी, बस मैं जस्ट फॉर फन एग्जाम दे के निकली। मैंने देखा वाओ कितने प्यारे पेड़ हैं यहाँ पे, मैं पूरे 2 साल लटक सकती हूँ। और बस मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे एडमिशन हो जाए, भगवान जी प्लीज सिलेक्शन हो जाए, और यहाँ पे सिलेक्शन होगी। और मैं यहाँ पे 5 ओवर लटकी, उससे ज्यादा नहीं लटकी क्योंकि सर्वाइकल इश्यूज। उसके बाद जब मैं लटकी, उसके बाद बाजू में मेरी यहाँ से मतलब डेड, तो उसके बाद मैं लटकी नहीं। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं यहाँ पे आके लटकूंगी। मेरा सपना कि मैं यहाँ लटकी रहूं 2 साल। अच्छा वहाँ लाइब्रेरी, आपको ये देखो ये जो लगा है ये है पानी के लिए। ऊपर से जो पानी आता है ना, तो वो एकदम से प्रेशर से नीचे गिरता है ना, तो इसके नीचे ना पत्थर वाली जगह पता नहीं यार मेरे को, कुछ किसी ने साइंस बताई थी इसकी, मतलब हाँ खड्डा हो जाता है उस जगह, तो फिर इसलिए ना नीचे यहाँ पे थोड़े पत्थर पत्थर रखे हुए हैं। डॉगी खाना ना मेरे पास। ओए ओए सुंदरू, देखो पीछे मुड़ के बिल्डिंग टेढ़ी है, वो देखो वहां से ऐसी बनाई है। इसका पता है क्या लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, शायद ये कि यूनिवर्सिटी थोड़ी यूनिक लगे क्योंकि एंट्रेंस में सबसे पहले जब अंदर आओ तो फिर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये चीज दिखती है ना, इसलिए। पसंद आई यूनिवर्सिटी? हाँ। कितनी? अगर आप पढ़ते होते आप रोज यहाँ पे वॉक करने आते? हाँ। अच्छा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा, ये पहली बार मैं अपनी मम्मा को दिखा रही हूँ व्लॉग में, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चप्पल पहन के आये हो, खड़श खड़श कर रहे हो। मम्मा मेरी मास्क भूल गए इसलिए मैंने भी मास्क उतार दिया है, ताकि कोरोना हो तो दोनों को हो, नहीं तो ना हो। लोगों ने मास्क नहीं पहना है। ये है यूनिवर्सिटी का फुआरा, इसको कहते हैं फाउंटेन। फाउंटेन नाम मेरे को हमेशा भूल जाता है, इसलिए फुआरा याद रखना पड़ता है ठीक है। प्लीज इतना चलना मारे। अरे मम्मा भूल जाता है, सच में फाउंटेन भूल जाता है, मेरे को याद नहीं आता इसको क्या बोलते हैं, इसलिए फुआरा याद रखती हूँ मैं। कैसी लगी मम्मा आपको यूनिवर्सिटी? ये है चौराहा। यहाँ पे ना मेरा एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं साइकिल चलाने वाली थी, आगे से गाड़ी वाला आया, खुश करके आया, तो मैंने साइकिल रोकी, मेरे पाँव नीचे पहुँचते नहीं थे, तो साइकिल ठल करके गिर गई, तो मेरे को लग गई गोडे में, अच्छी खासी लग गई। घुटना नहीं बोलते गोडे में? हाँ घुटना नहीं बोलते, घुटना बोलते हैं गोडा नहीं, गोडा भी तो बोलते हैं यार, गोडा घुटना ठीक है, नी नी को घुटना गोडा भी बोलते हैं। ये है यहाँ पे कुल्फी वाले अंकल, यहाँ पे रोज शाम को आते हैं कुल्फी देने। अंकल रोको रोको रोको, अंकल रोको, अंकल मेरी वाली कुल्फी देना जो मैं रोज लेती हूँ आपसे। नहीं बर्फ वाली नहीं, बर्फ वाली नहीं है, चलो कोई और दे दो। आमरस दो। आमरस मम्मा आप आमरस वाली खाओगे? अच्छी हाँ खा लेंगे। एक ये वाली दे दो, ये वाली नहीं, वो तो वाटर वाली, ये भी नहीं है, चलो और कोई आम के सिवाय और कुछ। मैं पहली बार लाइफ में ये वाले फ्लेवर वाली आइसक्रीम खा रही हूँ। मम्मा कौन सी खा रही? मैंगो वाली पसंद आई? रैपर दे दो, वहाँ फेंक लेती हूँ। देखो यार मिन चटनी क्या आप कर सो, अच्छी नहीं है ठीक है, नॉर्मल है। इस आइसक्रीम के अंदर 3 लेयर है, एक आउटर लेयर, फिर अंदर ये गोलू गोलू जो है ब्लैक कलर का, ये चॉकलेट है, बाहर वाली आइसक्रीम है। जस्ट इन केस अगर आप ये खाते हो तो आपको पता होना चाहिए। सॉरी यार अच्छी बिल्कुल नहीं है ठीक है, मुँह में पानी मत लाना। मैं आपको पता है बड़ी होगी, पहले मेरे को रोड क्रॉस करनी नहीं आती थी ठीक है, मेरे मुझे ऊपर वाला रास्ता है ना ये ब्रिज, यहाँ से होके आती थी। मैं आपको यहाँ पे आपको रोड क्रॉस करवाऊंगी, मुझे आती है आपको रोड क्रॉस करनी। चलो मैं करवाती हूँ ना आपको आज। अरे यार ये यार आपको दिखता नहीं है, इसको निकलने दो, चलो चलो चलो, आती है मेरे को रोड क्रॉस करनी आती है। इस साइड आ जाओ ठीक है, आप इस साइड आ जाओ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। हमने पता कब क्रॉस करनी यार, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा मम्मा। नहीं कहते बस हो गई, चलो 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 चलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने अपनी मम्मा को रोड क्रॉस कर। ये है वो डॉगी और ये उसके बच्चे जिनके लिए मैं लाई हूँ। चोमू इतना बड़ा होना चाहिए लेकिन चोमू बिल्कुल छोटा है। अरे छोटू कैसे है तू? अरे मेरे बच्चे, देखा मम्मी मैं हूँ इनकी मम्मी, तेरे को छोड़ के आ गई मेरे पास सारे। मम्मा इधर आना एक सेकंड, मम्मा थोड़ा सा नहीं थी खाना होगी लेकिन। अरे बेटा वहाँ बार बार, अरे छोटू, अरे मोटे यार इनको पसंद नहीं आया मम्मा, यार मम्मी को भी पसंद। खा रहे बस कर ना, वेस्ट हो जाएगा, बाकी अंकल को दे देना। ये फाइन है, मैं यार एक तो चोमू बहुत कमजोर था और ऊपर से ये बहुत कमजोर था, वो सोचता कुछ स्पेशल चीज लग रहा है इनको क्या मतलब। बस तो दुखी होती रहे, अब क्या इतने कुत्तों के लिए दुखी होती।
हाय रब्बा, उसको तूने नलाया, इशू ये नहीं कर, खा लेंगे अब खा लेंगे। वो देखना वो लिफाफा काटने लगा। अंकल ये लो, भैया भैया ये लो, ये कुत्तों का खाना है, बच्चों में डाल देना, ठीक है, डाल दोगे ना? यार मेरे को इतना दुख लग रहा है ना, मतलब ये भी बहुत वीक है, इसकी भी हेल्थ ठीक नहीं है, इसको किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने भी, इतने लोगों को पूछा मैंने। और इसका जो साथ इसका भाई है जिसको मैं घर ले जा रही हूँ चोमू को, उसकी लाइफ अच्छी होगी पर इसकी लाइफ अच्छी नहीं हुई है, कुछ खा भी नहीं रहा यार। खा ले, हेल्दी था ना, दुख लग रहा है इतना यार। क्या ही दुनिया है यार, ब्रीड के पीछे भागती है, ये बच्चे इतने प्यारे हैं, ये कोई इंसान नहीं पसंद यार। बाय छोटू। पहले तो मेरा आप कमरा साफ करो, ठीक है, 5 मिनट रेस्ट करो या फिर जितना मर्जी टाइम रेस्ट करो, उसके बाद मेरे कमरे की सफाई करो, ठीक है। पहले बता देती हूँ बहुत गंद पड़ा हुआ है। नौकर आए क्यों आप, काम करने आए हो या फिर आराम करने आए हो यहाँ पे?